नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों सिविल कोर्ट की तरफ से बंपर वैकेंसी का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से 7692 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बंपर भर्ती है इस साल 2022 की, जो कि सिविल कोर्ट की तरफ से है। और सबसे इंपोर्टेंट बात दोस्तों की जो वैकेंसी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ठीक है। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, मेल और फीमेल, ठीक है। यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो केवल 10वीं पास, अगर आप 10वीं पास भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों यहां पर जो पोस्ट जारी की गई है, नंबर 1 जो वैकेंसी है वो क्लर्क की वैकेंसी है, ठीक है। वहीं सेकंड नंबर की जो वैकेंसी है वो स्टेनोग्राफर, स्टेनो की वैकेंसी है। थर्ड नंबर की जो वैकेंसी है वो है कोड रीडर की, ठीक है। वहीं फोर्थ नंबर की जो वैकेंसी है पीओन की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है। दोस्तों बंपर वैकेंसी आ चुकी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, डिटेल्स में आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की अपडेट के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सिविल कोड की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज किया गया है और यहां पर साफ साफ बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन है बिहार सिविल कोड की तरफ से जारी किया गया है, जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी का है। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक और अप्लाई करने का लिंक आपको मिलेगा हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर sarkaritodaynews.com पर। यहां पर आप जाकर के इस जॉब की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर पाएंगे। तो दोस्तों नोटिफिकेशन की आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं सीधा वेबसाइट के माध्यम से। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है आप देख सकते हैं बिहार सिविल कोड की तरफ से निकाली गई है। दोस्तों यहां पर जो पोस्ट है, नंबर 1 जो वैकेंसी है वो है कोर्ट क्लर्क की वैकेंसी है। वहीं यहां पर जो सेकंड नंबर की वैकेंसी है वो पीओन की वैकेंसी है, यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी है। वहीं यहां पर जो थर्ड नंबर की वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। और यहां पर जो फोर्थ नंबर की वैकेंसी है वो कोर्ट रीडर की वैकेंसी है, ठीक है। तो चार प्रकार की वैकेंसी आ चुकी है और टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 7692 यहां पर जारी की गई है, जो कि बंपर भर्ती है इस साल 2022 की। ये जो वैकेंसी है गवर्नमेंट की जॉब है, यानी कि सरकारी नौकरी है। अगर आपको ये जॉब मिलती है तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और दोस्तों सिविल कोड की इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो केवल आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा। अप्लाई मोड जो है केवल यहां पर ऑनलाइन रहेगा। कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। बिहार की जॉब लोकेशन है। वहीं दोस्तों सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है एज पर रूल्स रहेगा, इसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, यानी कि आपकी लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पर थर्ड, तीन प्रकार की आपकी चयन प्रक्रिया होने वाली है। तो एग्जाम की तैयारी करनी होगी, इंटरव्यू की भी तैयारी करनी होगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहीं दोस्तों यहां पर जो एज लिमिट है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कम से कम जो एज लिमिट है वो आप देख सकते हैं यहां पर 18 साल है, ठीक है। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। वहीं दोस्तों 42 साल तक की अधिकतम आयु सीमा वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको आयु सीमा में छूट का बेनिफिट दिया जाएगा, जो कि सरकार के नियमानुसार होगा। वहीं दोस्तों यहां पर जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10वीं पास है, 10th क्लास पास है कम से कम, तो आप पीओन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। 12th पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एनी ग्रेजुएट पास है तो, ठीक है। तो यहां पर सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है बिहार सिविल कोर्ट के अंदर। वहीं दोस्तों यहां पर अब बात करते हैं कि आवेदन कब से कब तक चलेंगे। तो आवेदन जो है 20 सितंबर से, ठीक है, तो 20 सितंबर से यहां पर शुरू होंगे। वहीं लास्ट डेट जो है 20 अक्टूबर, ठीक है, 20 अक्टूबर को यहां पर जो है लास्ट डेट है आवेदन करने की। तो 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में इसके आवेदन चलेंगे, तो आवेदन जरूर कीजिएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे हमारे अगले वीडियो में, जब भी इसके आवेदन शुरू होते हैं। तो यहां पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा और यहां पर से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं।
ये जो दोस्तों नोटिफिकेशन दिया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिया गया है, तो आपको नीचे जाना है अगर आपको इंग्लिश में चेकआउट करना है तो, अगर आपको हिंदी में करना है तो ऊपर आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है, तो ग्रुप सी की वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है जो कि सिविल कोर्ट की तरफ से है, ठीक है, तो सिविल कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन जो कि बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से है। वही दोस्तों आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है, डिटेल्स में जानकारी आपको दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं नंबर वन वैकेंसी की जो कि आप देख सकते हैं क्लर्क की वैकेंसी है। क्लर्क की वैकेंसी आप देख सकते हैं 3325 है जिसका नोटिफिकेशन नंबर जो है 01/2022 है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो दूसरे नंबर की वैकेंसी है वो है स्टेनोग्राफर की और यहाँ पर 1562 वैकेंसी है, नोटिफिकेशन नंबर जो है 02/2022 है। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर की जो वैकेंसी है कोर्ट रीडर कम डिपोजिटिंग डिपोजिशन राइटर की है जो की 1132 है, नोटिफिकेशन नंबर जो है 03/2022 है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो चार नंबर की वैकेंसी है पियोन की है ऑर्डिनरी की है यहाँ पर 1673 पोस्ट है, नोटिफिकेशन नंबर जो है 04/2022 है। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है अलग अलग यहाँ पर मेंशन की गई है, तो कुल मिला के वैकेंसी जो बनती है 7692 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी ये निकल कर आ रही है, ठीक है, तो टोटल वैकेंसी होगी लगभग 7700 वैकेंसी जो कि बंपर वैकेंसी है सिविल कोर्ट की तरफ से जो कि गवर्नमेंट जॉब है और सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है और ऑल ओवर इंडिया की ये जॉब है। तो दोस्तों इसके आवेदन आप देख सकते हैं कब से कब तक चलेंगे नोटिफिकेशन में वो भी मेंशन किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके आवेदन जो है 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक चलेंगे, तो 20 अक्टूबर से पहले आपको अप्लाई करना होगा और यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप जाकर के वैकेंसी की पूरी जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, अप्लाई भी, ठीक है, तो अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की नई भर्ती की कंप्लीट जानकारी। इस भर्ती को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।